जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं सिंगर भैया, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त रंजन ऋषभ। तो आज मैं एक खास चीज पे बात करने जा रहा हूं, एक खास आदमी पे, कि जो हमारे सिंगर हैं प्रमोद प्रेमी यादव, उनका स्केल उतना ऊंचा क्यों है, वो उतना ऊंचा कैसे गाते हैं। ये बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, क्या ऐसा कोई टिप्स है, कोई ऐसा तरीका है जिसको आजमा करके आप भी गा सकते हैं उतना ऊंचा, मैं भी गा सकता हूं, क्या ऐसा कोई तरीका है, यही इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं बता दूं कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सब लोग अलग हैं, सब लोग अलग अलग हैं। एक बाप अपने बेटे से अलग है, दो भाई हैं दोनों अलग हैं, सेम ना उसका शक्ल है ना ही उसका आवाज़ है, हर कोई अलग है इस दुनिया में। तो इस बात को आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि जो एक हो गया और प्रमोद प्रेमी हो गए तो वो प्रमोद प्रेमी रहेंगे और दूसरा कोई प्रमोद प्रेमी नहीं हो सकता है। खेसारी लाल हो गए तो खेसारी लाल ही रहेंगे, दूसरा कोई खेसारी लाल नहीं हो सकता। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं उनका आवाज़ अलग होता है और ये भगवान का दिया हुआ चीज़ है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा वही रहेगा जो कि भगवान ने दे दिया है। अब रही बात स्केल की, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, उसमें अच्छा से स्केल समझा दूंगा आपको कि आपका स्केल कितना होना चाहिए, कितना स्केल में आप गा सकते हैं। अब रही बात प्रमोद प्रेमी जी के स्केल की, तो मैं बता दूं कि स्केल वही निर्धारित होता है जिस पे आदमी का आवाज़ पहुंच जाता है अच्छा से, क्योंकि आदमी वही उतना ऊँचा गा सकता है जिसके आवाज़ में टोन हो, आवाज़ उतना वो खींच सके। अगर आपका आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मोटा है तो आप ज़्यादा ऊंचा नहीं गा पाओगे, और बहुत ही पतला भी है तब भी आप ऊंचा नहीं गा पाओगे। हर आदमी का स्केल अलग अलग होता है, क्योंकि जितना मेरा आवाज़ है उससे ज़्यादा मैं नहीं जा सकता है, क्योंकि दुनिया में जो भी चीज़ है, जो भी कोई भी काम हो, वो ज़बरदस्ती नहीं किया जा सकता है, उसका लिमिट होता है। आप ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे सिंगिंग हो या फिर कोई भी काम हो। आप जिस किसी स्केल में भी गा रहे हो, आपको ऊपर जाने में, जब तार सप्तक में आप जा रहे हैं तो आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। आप जब ऊंचा जा रहे हैं और किसी शब्द को बोल रहे हैं तो वहाँ पे आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए बोलने में, आराम से आप गा सकें, क्योंकि गाने में फील का ज़रूरत होता है, फील बहुत ही ज़रूरी होता है, फील आना चाहिए। अगर आप ज़बरदस्ती गा रहे हैं तो फील नहीं आएगा। तो वही आपका स्केल है जिस स्केल में आप आराम से गा रहे हैं, स्केल मैं अच्छा से समझा दूंगा एक वीडियो अलग से बना करके। तो भाई मेरे, ऐसा कोई भी टिप्स नहीं है, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे किसी और सिंगर का कॉपी किया जा सके, सेम टू सेम गाया जा सके, उतना ऊंचा गाया जा सके। अगर ऐसा होता तो नुसरत फतेह अली खान उतना ऊंचा गाते हैं, सुखविंदर सिंह बहुत ही ऊँचा गाते हैं, तो बहुत सारे लोग, बहुत लाखों सिंगर ऐसे पैदा हो जाते हैं जो कि नुसरत फतेह अली खान के जैसा गाने लगते हैं, सुखविंदर सिंह के जैसा गाने लगते हैं, सेम टू सेम लाखों सिंगर ऐसे पैदा हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस भगवान ने जो दिया है उस पर खुश रहिए और अपना स्केल वही निर्धारित कीजिए जिस स्केल में आप अच्छा से गा रहे हैं, पूरा कॉम्फर्ट होकर गा रहे हैं, वही आपका स्केल है। तो यही सारी बातें हैं, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में ये चल रहा था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हर रोज़ मेरा एक ऐसा ही वीडियो आता है जिसको आप देख करके कुछ जानकारी ले सकते हैं, आपको कुछ सीख मिल सकता है। मेरा यही कोशिश रहता है कि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ कुछ अलग, कुछ यूनिक, कुछ जानकारी वाला ही दूँ। तो फिर मिलेंगे किसी और अच्छे से जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।